स्वाद एंड फ्लेवर। जैसे कि आपको पता है कि इस थर्सडे से ही अदरा चढ़ा हुआ है। हम बिहारी ये जानते हैं कि अदरा जब चढ़ता है तो हम दाल भर के पूड़ी और खीर बनाते हैं और साथ में आम भी होता है। तो आज उसी अदरा की थाली की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके लिए मैंने 4 घंटे सोख करके चना दाल ले लिया है। मैंने चना दाल को अच्छी तरह से धोकर फुलाया था, फिर भी मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसे स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में कुछ मसालों के साथ उबालूंगी। कुकर में मैंने चना दाल डाल दिया है। और इसके साथ मैंने नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नाम मात्र का गरम मसाला डाला है और थोड़ी गोलकी पाउडर डाली है। अब 1 कप के आसपास पानी, बस चने दाल डूब जाए उतना ही पानी हमें डालना है और फिर हम इसे फ्लेम पर बैठा देंगे और 4-5 सीटी के बाद इसे उतार लेंगे। अब हमें खीर बनानी है। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी खीर पानी में सोख करके रख दिया है और सोख करने से पहले मैंने चावल को अच्छी तरह से 4-5 बार धो लिया है और फिर हमारे चने उबल गए हैं। इन्हें देखिए हम मैश कर लेंगे इस तरह से। ये चने अच्छे मुलायम हो गए हैं, अब इन्हें मैश कर देना है। और मैंने पतीले में दूध बैठा दिया है खीर बनाने के लिए, अब खीर बनता रहेगा। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 4 मिर्च लिए, थोड़ा अदरक लहसुन और थोड़ा सा जीरा लिया है। इनका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। गोभी मैंने काट कर अच्छे से ले लिया है और आलू इस तरह छोटा छोटा काट रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, दूसरी कढ़ाई में भी तेल गरम कर। एक कढ़ाई में मैं 5 फ़ोरन डालूंगी और 1 तेज़पत्ता डालूंगी। इसमें गोभी डालूंगी, गोभी को मुझे लाल फ्राई करना है। दूसरी तरफ मैं थोड़ा जीरा डालूंगी, हींग डालूंगी और वो जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी चना दाल की उसे डालूंगी। उसमें अदरक और मिर्चा का पेस्ट भी डालूंगी और उसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इसे अच्छा लाल होने तक पकाना है। दूसरी तरफ हमारे गोभी लाल हो रहे हैं। मैं थोड़ी सौंफ भी डाल दूंगी, इसका पहले ही डालना था पर मैं भूल गई थी। और दूसरी तरफ खीर बना रही हूँ जिसमें मैंने चावल डाला है, दूध में अच्छा बॉयल आ गया है। अब मैं गोभी में आलू डालकर इसे भूंजूंगी। और लास्ट में स्टफिंग में मैं आमचूर डालूंगी ताकि इसमें एक अच्छी सी खटास रहे और धनिया पत्ता से गार्निश करूंगी। दूसरी तरफ मैं खीर चलाकर देखती रहूंगी कि तली में वो सटे नहीं। फिर दूसरी तरफ मैंने चटनी के लिए एक कढ़ाई बैठाई है। अब मैं आलू गोभी को निकाल लूंगी और फिर उसे वो पेस्ट जो मैंने सब्जी के लिए बनाया था वो डालूंगी और उसमें फिर कुछ सूखे मसाले डालूंगी। इधर चटनी के लिए मैंने लहसुन फ्राई करने के लिए डाल दिया ताकि वो लाल हो। अब इस पेस्ट में मैं नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और अब चटनी में मैं बादाम भी डालूंगी। बादाम को भी फ्राई करना है लहसुन के साथ, धीरे धीरे फ्राई करूंगी। फिर कुछ हरी मिर्चें डालकर भी फ्राई करूंगी और इधर मैं मसालों को भूनती रहूंगी। अब मैंने खीर में चीनी डाल दी है। चीनी डालकर मैं खीर को अच्छी तरह चला रही हूँ और साथ में मैं चटनी के सामान पर भी ध्यान दे रही हूँ, उसे भी हल्का हल्का भून रही हूँ। खीर हमारा बनकर तैयार है। इसमें मैं हल्का सा इलायची पाउडर डालूंगी और बस आलू और गोभी को मसाले में मैं डाल दूंगी। मसाला हमारा भून चुका है और 1 कटोरी पानी डालूंगी और फिर इसमें धनिया पत्ता डाल करके गार्निश करके मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये धीमी आंच पर पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने आटा तैयार कर लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाला है। और अब हमारी चटनी पीसकर तैयार हो गई है। इसमें हल्का सा नींबू और हल्का सा नमक डाला है मैंने। और अब इस तरह पिट्ठी बनाकर मैं स्टफ़ करूंगी आटे में ताकि हमारा चना दाल का पराठा तैयार हो जाए। इस तरह हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा पतला ही बेलेंगे, पतला ही अच्छा लगता है। और फिर हम इसे अच्छे से घी में सेक लेंगे। दूसरी तरफ हमें सब्जी देखेंगे, हमारी सब्जी भी लगभग हो ही गई है। ये चटनी, खीर, हमारी सब्जी और हमारा पराठा।
ऑलमोस्ट हमारे आदरे की थाली तैयार हो गई है, लेकिन आम के बिना तो सब अधूरा है, उसे तो होना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।